नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रयोगशाला सहायक की हम बात कर रहे हैं। आपको पता पड़ ही गया होगा कि हाथ में मोबाइल है, यानी कि हम बात सीधी सी प्रश्नों से चालू करेंगे। आज आप लोगों का डिमांड था कि आप हमें प्रश्न भी सोल्व करिए। कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, उन्हें ध्यान से आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो प्रश्न हो सकते हैं आपको समझ में ना आए उन्हें पूरा व्याख्या कराने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाए। पहला प्रश्न आपके लिए है, प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास संपूर्ण रूप से अंतः परजीवी है। देखो, एक बात शब्द आता है अंतः परजीवी। पहली बात प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसको आप देख लेना, वहां से आपको अनुभव हो जाएगा। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सजीव है, उनके बारे में बात थी। कौन सी क्लास, क्लास यानी कि हम वर्ग की बात कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से अंतः परजीवी है। देखो, अंतः परजीवी की बात कर रहा हूं। अगर ये पढ़ेंगे आगे जाके अपन, परजीवी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य होता है और एक अंतः होता है। जैसे कि आपके शरीर के ऊपर जोंक है या जूं शब्द है, एक तो बालों के अंदर जूं हो जाता है, वो है बाह्य परजीवी। एक जोंक होता है जो रक्त को चूसने का काम करता है, वो क्या है, वो भी बाह्य परजीवी। तो अंतः परजीवी शब्द जब आता है, जीवी के अंदर परजीवी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, और अंतः शब्द यानी कि शरीर के भीतर की तरफ हो, तो पूर्ण रूप से अंतः परजीवी शब्द पूछा है इसने। और उसमें दे रखा है मेस्टिगोफोरा, दूसरा दे रखा है सार्कोडिना, तीसरा है ओप्लेना, और चौथा और डी ऑप्शन हमारे पास में कौन सा आता है, स्पोरोजोआ। तीन ऑप्शन इसने दिए हैं, चार ऑप्शन इसने दिए हैं, और आपको पता भी होगा कि डी जो ऑप्शन है इसका, आप जो डी जो विकल्प रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्पोरोजोआ जितने भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटोजोआ के संघ के अंदर क्या होगा, ये अंतः परजीवी के सदस्य होते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, दूसरा प्रश्न मेरे पास में है, सभी परजीवी प्रोटोजोआ के किस समूह में रखा गया है। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है, यानी उसी प्रश्न को मिलता जुलता प्रश्न है, आप ध्यान रखना। सभी परजीवी प्रोटोजोआ को किस समूह में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है, तो इसको आप उत्तर आपको पता ही होगा, स्पोरोजोआ जो है वो उसी के अंदर रखा हुआ है। यानी कि अगर प्रश्न की डिफिकल्टी के हिसाब से प्रश्नों को मोड़ना चाहे तो दोनों प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आप समझ पाए कि प्रश्न की स्थिति क्या होगी। दोनों प्रश्न है, आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि स्पोरोजोआ ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसके बारे में बात करी है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। जोड़ा सही होने का मतलब क्या है, यानी थोड़ा सा गैप देना था बीच में, हम दे नहीं पाए। एक तो एडिस से हो रहा है प्लेग रोग, दूसरा एनाफिलिस से हो रहा है मलेरिया रोग, तीसरा है घरेलू मक्खी से हो रहा है पित्त ज्वर रोग, और देह जूह से हो रहा है, यानी कि शरीर के ऊपर जो जोंक होती है, जो होती है वो उससे हो रहा है टाइफाइड। देखिए, पहला जो प्रश्न है, एडिस से प्लेग, प्लेग नहीं होता है, एडिस मच्छर से प्लेग नहीं होता है, तो ये तो गलत है। एनाफिलिस मलेरिया ये सही है, मादा एनाफिलिस से, एनाफिलिस में अपन कौन सा लेंगे, मादा, नर नहीं, मादा, क्योंकि मादा और नर में क्या फर्क होगा, एनाफिलिस जो होता है, मादा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, रक्त को चूसने की क्षमता होती है, उनके ऊपर जो मुखांग बने होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी भी सतह को छेद कर सकते हैं। लेकिन जो नर होता है उसका क्या होगा, आगे का जो मुखांग मुड़ा हुआ होता है और केवल जो पुष्पीय परागण है उनको ही वो ग्रहण कर पाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा आप लोगों के पास में वो बी सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्न में से किस प्रोटोजोन परजीवी में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। निम्न में से किस प्रोटोजोन परजीवी में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। देखिए, पहला है हमारे पास में लेप्टोमोनास, दूसरा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सब ध्यान रखना, ट्रेपेनोसोमा, और तीसरा चौथा आता हमारे पास में लिस्मेनिया। देखिए, प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसी अवस्था, अपन जब प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे उसमें आप मलेरिया का जब पूरा जीवन चक्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसी अवस्था आएगी कि वहां पर हम रिक्तिका अवस्था के नाम से जानेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी सही होगा, प्लाज्मोडियम। तो चौथे का भी हमारे पास में कौन सा उत्तर सही हुआ, बी सही हुआ। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, पैरामिशियम है, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वायरस और एनेलिड। देखिए, जब बात इसने करी प्रोटोजोन्स, बिल्कुल पहला शब्द में ही खेल खत्म हो गया कि प्रोटोजोआ संघ का सदस्य ही कौन है, प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ
जोआ। प्रोटोजोआ के अंदर कौन होगा? पिरामिशन है, हमने इसके बारे में बात करी है और आने वाली जो वीडियो है उनकी हम बात करेंगे। बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्मदर्शी को इसमें नहीं लेंगे, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं उसमें, वायरस विषाणु ये नहीं है। एनेलिडा संघ एक अलग हो गया, एनेलिडा जब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा उसके बाद में एनेलिडा खंडयुक्त संरचनाएं होंगी। एनेलिडा में आपका केचुआ आता है, केचुआ आपको ध्यान होगा अर्थवर्म जिसे अपन कहते हैं किसानों का मित्र केचुआ, वो आता है। चलिए ये पिरामिशन की बात हुई, तो पिरामिशन किसमें आएगा? प्रोटोजोन्स के अंदर आएगा। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है निम्न कौन सा लक्षण एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण का नहीं है? शब्द क्या पूछा है? नहीं है, ध्यान देना। बार बार बुखार आना, पेट में दर्द होना, देखो बार बार बुखार आना, पेट में दर्द होना, मल के साथ रक्त का आना और अनियमित मल त्यागना, अनियमित मल त्यागना एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का लक्षण है क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ है। मल के साथ रक्त आना क्योंकि हाँ ये भी उसमें है, पेट में दर्द होना ये भी है, लेकिन बार बार बुखार आना शब्द सही नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ए सही है, बार बार बुखार आना। लेकिन ये जो लक्षण है आपको अभी जो लक्षण अपन ने देखे हैं ये सभी लक्षण उनमें होंगे हमारे पास में बार बार बुखार आने के अलावा। एंटमीबा का संक्रमण किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसके अंदर आपके पास में चार विकल्प हैं और चारों विकल्प देखिए। पहला विकल्प हमारे पास में है चुंबन के परहेज करके, रोगी के कपड़ों से दूर रहकर। देखिए कुष्ठ रोग है या ऐसा जैसे कि COVID-19 है, इनमें उनके रोगी के कपड़ों से दूर रहा जा सकता है कि चलो उससे संक्रमण फैल सकता है। स्वच्छ भोजन से और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो कोई ना कोई है। पहला नहीं होगा चुम्बन के परहेज, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की अगर बात कर रहे हैं या एंटमीबा की बात कर रहे हैं तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं, रोगी के कपड़ों से नहीं हो सकता। स्वच्छ जल से एंटमीबा का संक्रमण किसके द्वारा रोका जा सकता है? अगर स्वच्छ जल है या स्वच्छ भोजन है तो उससे रोका जा सकता है, तो स्वच्छ जल या स्वच्छ भोजन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रवास में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की एक सिस्ट में कितने ट्रोफोजोइड्स उपलब्ध होते हैं या उत्पन्न होते हैं? अगर ट्रोफोजोइड्स यानी एक सिस्ट कोशिका बनती है उससे कितने ट्रोफोजोइड्स बनेंगे? 1, 2, 4 और 18। सी उत्तर सही, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? इसमें 4 सिस्ट बनेंगे अपने पास में, ट्रोफोजोइड्स बनेंगे, 4 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है मलेरिया में किसके कारण कपकपी वाली सर्दी या बुखार उत्पन्न होता है, ज्वर उत्पन्न होता है, कपकपी लगना? ये जो आपके पास में बी ऑप्शन आ रहा है होमोजोइड्स, इसके कारण ही कपकपी लगकर सर्दी आती है। आगे जो क्लास होगी ये जितने भी प्रश्न हैं जो कक्षा से जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने की बात है इस चीज को, आगे हम बात करेंगे एक एक प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। जब मलेरिया पढ़ूंगा तब इसको पूरा पढ़ेंगे, तो होमोजोइड्स कैसे होता है। अगला है 10वां प्रश्न, अमीबा को सुई से छूने पर, यानी कि हमारे पास में अमीबा है उसको हमने उसको सुई से टच किया क्या होगा? अमीबा मर जाएगा, अमीबा शीघ्रता से विभाजित हो जाएगा, अमीबा के कुटपाद बन जाएंगे और दूर चला जाएगा। देखिए कुटपाद कब बनता, पहली बात अमीबा मरेगा कब? अमीबा वैसे तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, अमर है। अमीबा को अपन क्या कहते हैं? अमीबा क्या है? अमर है। अमर का मतलब क्या हो गया? उसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रहा, लेकिन मर सकता है। अमीबा तो आप उसको पानी में गर्म कर दोगे तो मरेगा, मरेगा बेचारा, या एसिड डाल दोगे मर जाएगा। अमीबा शीघ्रता से विभाजित करेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शीघ्रता से विभाजित नहीं कर सकता। अमीबा में कूटपात का निर्माण होगा। देखिए कूटपात का निर्माण ऐसे आपको पता होगा इस तरह से कब होता है, जब भोजन का कोई कण पड़ा हो तो अमीबा इसके तरह चारों तरफ कूटपात बना के उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। ऐसा कब होगा? जब भोजन का कोई कण हो, भोजन का कोई कण नहीं है मतलब नहीं लेगा और दूर चला जाएगा। हाँ, अगर इस तरह से उसको उद्दीपन मिलेगा तो वो दूर चला जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न अपने पास में। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक मुख यहां पर सुधार कीजिए इसको, क्या शब्द है वो, मानव के मुख में रहता है? एंटमीबा कोलाई,
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा जिंजिवलिस और एंट अमीबा प्रोटियस। देखो एंट अमीबा या अमीबा प्रोटियस होता है वो तो सबसे बड़ा अमीबा होता है। अमीबा प्रोटियस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। एंट अमीबा कोलाई का शब्द कोले आया तो पेट के अंदर की बात होगी। हिस्टोलाइटिका के बारे में आप जानते ही हैं, आत्र अमीबा है। और बचा कौन? जिंजिवलिस, है ना। तो याद रखना कि मुंह के अंदर क्या होता है? जिंजिवलिस। याद कैसे रखोगे? एंट अमीबा जिंजिवलिस। सी उत्तर सही है इसका बिल्कुल, और आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की क्लास के अंदर मैंने छोटे छोटे 11 प्रश्न लिए, ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं लिए, छोटे छोटे 11 प्रश्न लिए और सब जुड़े हुए थे हमारे पास में प्रोटोजोअन से। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे पहले उनके सभी परिचय के बारे में और उनके बाद में कुछ प्रश्नों की। आपको ये क्लासें किस प्रकार लग रही है अपने मित्रों को उनको शेयर करिए, बताइए उनको, और हमारे लायक जो है कि जो चीज में परिवर्तन करना वो भी आप बताइए। तब तक जय हिंद, जय भारत।